मोमिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। आखिर कब तक ये नारा हम सब लगाते रहेंगे? अर्पिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। आसिफा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। निर्भया से लेके अर्पिता तक, अर्पिता से लेके मनीषा तक, मनीषा से लेकर मोमिता तक, हम बस शर्मिंदा ही होते आ रहे हैं और ये नारे लगाते आ रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में जिस बर्बरता के साथ एक जूनियर डॉक्टर की हत्या की गई, दुष्कर्म किया गया, उस देश की बेटी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आखिर कब तक पूरा देश इन चीजों से जूझता रहेगा? जब इसके इंसाफ के लिए लोग सड़कों पे उतरेंगे तो कब तक पत्थर खाना पड़ेगा? कब तक पुलिस की लाठियां खानी पड़ेंगी? कब तक आंसू गैस के गोले झेलने पड़ेंगे? इतिहास गवाह है, देश हिंसा से नहीं अहिंसा से ही आजाद हुआ था। जब तक आंदोलन नहीं होगा, सरकार के कानों तक बात नहीं पहुंचती, वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार। आरजीकार मेडिकल हॉस्पिटल में जिस बर्बरता के साथ जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ की हत्या की गई, बलात्कार किया गया, जिसके बाद पूरा देश सहम सा गया। 15 अगस्त को लोग जश्न आज़ादी का 78वां साल मना रहे थे। क्या हमारा देश आज़ाद है? ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, क्या हमारा देश वाकई आज़ाद है? जिस देश में बेटियां रात में सड़कों पे चल नहीं पाती, वो देश आज़ाद है? जिस देश में सच बोलने पे मुंह बंद कर दिया जाता है, क्या वो देश आज़ाद है? जिस देश में धर्म के नाम पे भेदभाव किया जाता है, क्या वो देश आज़ाद है? दलित बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, क्या वो देश आज़ाद है? मोमिता देवनाथ के हत्या की खबर पूरे देश में चर्चा में थी, लगातार इस पे चर्चे हो रहे थे। और इस चर्चा के बीच में एक खबर और निकल करके आई कि मुजफ्फरपुर में 14 साल की दलित नाबालिग लड़की के साथ 3 लड़कों ने मिलकर दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने उन मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या ये ट्रेंड का जमाना चल रहा है कि एक घटना जैसी होती नहीं कि सेम घटनाएं दूसरी होनी शुरू हो जाती हैं? उत्तराखंड का भी एक मामला सामने आया है जहां 5 दिन से एक लड़की मिसिंग थी, 6ठे दिन में उसकी लाश मिलती है और आशंका तो यही जताई जा रही है कि उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार हुआ। एक के बाद एक घटना होती जा रही है और हम सिर्फ और सिर्फ वी वांट जस्टिस के नारे लगाते आ रहे हैं। क्यों नहीं इस देश में कोई ऐसा सख्त कानून बना दिया जाता है कि जो भी मुजरिम इसके लिए दोषी पाया जाए, उसके बारे में और जांच पड़ताल करनी नहीं चाहिए? कानून के दायरे में जो सजा सबसे कठित सजा होती है, जो सबसे बड़ी सजा होती है, इन दोषियों को उससे बढ़कर, उससे बदतर सजा देनी चाहिए। मोमिता के कातिल अभी तक जिंदा हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस शख्स को पुलिस ने आरोपी बताकर गिरफ्तार किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक नहीं कई और लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी तो दूर, पता ही नहीं है कि किसने ये करा है। सीसीटीवी फुटेजेस नहीं बताए जा रहे हैं। एविडेंस को छुपाने की, एविडेंस को टेम्पर करने की शिकायतें लोग कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे छात्रों से शिकायत नहीं है, मुझे उन लोगों से शिकायत है जो आपदा में अफसर ढूंढते हैं। दुख की घड़ी में भी वो लोग अफसर ढूंढ रहे हैं जिसके वजह से आरजी कार में जो कुछ भी हुआ वो उनकी एक साजिश का हिस्सा है। बहुत सारे मामले चल रहे हैं। द लोकल जर्नलिस्ट उस दिन ग्राउंड जीरो पे मौजूद थी, वहां से लाइव फुटेजेस आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वहां चल क्या रहा था। एक महिला से हमारी बात हुई, एक महिला जो हम जब बात कर रहे थे, उनकी राय जान रहे थे, जानना चाह रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी घटना घटी, उस महिला के आंखों में, उन महिला के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, मैं बस आपको वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ।
শুধু একটাই কথা বলতে চাইবো, সেটা হচ্ছে উই ওয়ান্ট জাস্টিস। এখানে নো পলিটিক্স, নাথিং। ইট ইজ এ রিকোয়েস্ট টু দ্য অনারেবল চিফ মিনিস্টার, শি বিং আ লেডি, টু ডিল উইথ দ্য কেস ফ্রম দ্যাট পার্সপেক্টিভ। ইটস এ অনেস্ট রিকোয়েস্ট নট টু ইনক্লুড পলিটিক্স ইন ইট, অ্যান্ড উই এক্সপেক্ট দ্যাট জাস্টিস উইল শিওরলি বি ডেলিভার্ড। উই ওয়ান্ট জাস্টিস টু বি ডেলিভার্ড, দ্যাটস অল। আ মাদার হ্যাজ লস্ট হার চাইল্ড অ্যান্ড ইটস অ্যান এন্ড অফ এভরিথিং। সো কিপিং ইন মাইন্ড ওনলি অ্যাবাউট জাস্টিস, ওনলি অ্যাবাউট দ্য লেডি, প্লিজ deliver justice, keeping aside politics. Thank you. জাস্টিস চাই, আর কিছু বলার নেই। আমিও এক মেয়ের মা, আমি সেই জায়গায় আমি আর কিছু বলতেই পারছি না। আমার মেয়েও আমার কাছে থাকে না, সেই আতঙ্ক হয়ে গেছে এই ঘটনার পর। হয়তো পাবোই, এরকম যদি এখানে থেকে যদি সেই সুরক্ষাই না পাই তাহলে ভয় তো পাবোই, আতঙ্কই আছে, খুবই ভয়। আর এটা বার করা কোনো ব্যাপারই না, যারা করেছে তারা জানে, চাইলে বার করা কোনো ব্যাপারই না। যদি বার করতে চায় যে কারা আসল দোষী, পুলিশের দ্বারা সরকারের দ্বারা বার করা কোনো ব্যাপারই নয়। এটা বার করতে চায় না বলেই এত দেরি হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা তো কখনোই সম্ভব না, এতগুলো মাল্টিপল আঘাত করা একজনের মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয়। সে একদিকে সে তাকে নির্যাতন করবে, তার সাথে তাকে আবার মানে আহত করবে একসাথে, এটা কখনোই একজনের দ্বারা সম্ভব না। সেটা আমি বলতে পারবো না রাজ্য সরকার কি করতে চাইছে, কিন্তু রাজ্য সরকার যদি চায় এটা বার করা দু মিনিটের ব্যাপার, তারা চাইছে না বলেই বেরোচ্ছে না। আমরা ফাঁসি না, আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের একখানা এক্সাম্পল সেট করতে চাই যে এই জিনিসটা করলে কতটা তারা মানে মানে আগামী দিনে, আগামী জেনারেশন বা আগামী দিনে কেউ করলে তাদের কি শিক্ষা হতে পারে, সেরকমই একখানা তাদের শাস্তি চাই। ফাঁসি দিলে তো সে সঙ্গে সঙ্গে তার একবারে তার কাজ কম শেষ হয়ে গেল। আমরা ফাঁসি চাই না, আমরা চাই হচ্ছে তাকে রাস্তায় পথে বসা, রাস্তায় পথে বসা, তাকে হাত পা কেটে দিয়ে রাস্তায় পথে বসা, যাতে আগামী দিনে কেউ করার আগে 10 বার ভাবে। অরিন্দম পোদ্দার, জয় হিন্দ। মে আশিস ফরাজ, আপ দেখ রহে হ্যায় দ্য লোকাল জার্নালিস্ট। আরজিকান মেডিকেল কলেজ মে जो भी दुर्घटना घटी उसके बाद देश की बेटियों ने 14 अगस्त की रात को रात दखल किया। सिर्फ पश्चिम बंगाल की धरती पे नहीं बल्कि पूरे देश में डॉक्टर्स सड़कों पे थे, छात्र सड़कों पे थे, सिटीजन्स सड़कों पे, और इसकी शिकायत कर रहे थे कि कब तक हमारी बेटियों को इस तरह के दरिंदे नोचते रहेंगे, कब तक हमें इंसाफ मिलेगा। 14 अगस्त की रात एक ऐसी रात थी जिसने देश के इतिहास में एक नया तारीख लिखा है। जब हमारी टीम, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम, आरजीकान मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुई तो रास्ते में हर सड़कों पे, हर गली में हमने बूढ़ी औरतों को उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते देखा। हर एक गलियों में बेटियों ने दखल कर रखा था, हर गली में बेटियाँ चल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मेंस आर टू डोमिनेटिंग, सम इंटेलेक्चुअल्स आर सेइंग मेंस आर डोमिनेटिंग, मेंस आर दिस, मेंस आर ब्ला ब्ला ब्ला। मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि उस भीड़ में सिर्फ महिलाएं मौजूद नहीं थीं, उस भीड़ में पुरुष भी मौजूद थे। ये वो पुरुष थे जो इस तरह के लोगों से अपने परिवार के लोगों को महफूज करने के लिए सुरक्षा करते हैं।
ये वही डोमिनेटिং पुरुष हैं जो अपने डोमिनेंस से अपने घर वालों की रक्षा करते हैं। सारे पुरुष द्वारा भी आंदोलन किया गया, सारे सिटीजन्स जो नागरिक थे पश्चिम बंगाल के, सब हमने सबों से बातें भी की और वहाँ के दृश्य को आप तक दिखाने की कोशिश भी की। 14 अगस्त की रात को जब बाहर मशाल रैली चल रहा था, लोग प्रतिवाद कर रहे थे, जस्टिस की गुहार लगा रहे थे, तब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ असामाजिक तत्व के लोग घुसकर डॉक्टरों पे हमला करते हैं, सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट की तोड़फोड़ करते हैं, जो दवाइयां हॉस्पिटल में उपलब्ध रहती हैं इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट्स को देने के लिए उसे बर्बाद कर देते हैं। जब उन्हें पुलिस खदेड़ती है तो वो बाहर की तरफ होते हैं, बाहर निकलते हैं और अचानक अफरा तफरी मच जाती है। उस अफरा तफरी के बीच पुलिस को टीयर गैस छोड़ना पड़ता है, टीयर गैस चलाना पड़ता है और अजीब सा माहौल, मतलब एक पीसफुल रैली जो चल रहा था वहाँ एक अजीब सा ही माहौल बन जाता है। हमारी टीम वहाँ मौजूद थी जब ये सारे दृश्य चल रहे थे। अंदर तोड़फोड़ की गई, बाहर टीयर गैस चलाया गया। टीयर गैस चलने का असर ये हुआ कि जो महिलाएं थीं दहशत में आ गईं, जो छात्र थे दहशत में आ गईं, क्योंकि वो लोग, कुछ लोग तो उनमें वो थे जो हमेशा आंदोलन का हिस्सा रहते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ आम नागरिक भी थे। 70 साल की महिलाएं वहां थीं, 85 साल की महिला वहां थी, जो चल नहीं पाती हैं वो व्हील चेयर पे वहां थी, सारे लोग वहां थे। जब इस तरह की भगदड़ मची तो लोग भागना चीखना पुकारना शुरू की। जब भीड़ में टीयर गैस चलाया गया तो द लोकल जर्नलिस्ट की टीम भी शिकार बनी। वो चीज़ अलग है कि हमने उसको कैमरे पे दर्शाया नहीं, कैमरे पे टीयर गैस आ करके गिरा था। स्टार्टिंग के 5 सेकंड ऐसे लगा कि हाँ इट्स ओके, बट आफ्टर 5 सेकंड्स आई फील भाई साहब ये ओके नहीं है। काफ़ी जलन होने लगी, आगे बढ़ गया। मैंने लाइव में भी ये बातें आपको कही कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था पत्रकारों को भी और वहाँ जो नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी। मैं, कई लोग उसमें गिरे, जख्मी हुए, चोटित हुए और उसी हालत में भागते हुए नजर आए। लेकिन जो लोग अंदर से बाहर आ चुके थे तोड़फोड़ करने के बाद, मेन जो क्लैश हुआ वो उन लोगों के बीच और कोलकाता पुलिस के बीच हुआ, ना कि छात्रों के बीच हुआ और ना ही किसी अन्य लोगों के बीच। पुलिस तो किसी को छू भी नहीं रही थी, पुलिस सिर्फ उन लोगों को चिन्हित करके डंडे चला रही थी जो उस भीड़ में घुसकर माहौल ख़राब करना चाह रहे थे, और कुछ हद तक उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। लेकिन जो छात्र थे, जो छात्र के युवा नेता दल थे, वो लोग वहाँ से टस से मस नहीं हुए। श्याम बाजार मोड़ पे लाखों की संख्या में लोग जमे हुए थे और आरजी कान मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर भी लोग भारी पैमाने में जमा थे, छात्रों से लेके सारे लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन इस तरह की घटना ने पूरे देश में एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हैं? कभी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, कभी बिहार के मुजफ्फरपुर में, कभी पश्चिम बंगाल के आरजीकार में, और ना जाने कई ऐसी अनगिनत घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं जो नज़र में आ जाती हैं, जिनके साथ काफ़ी दरिंदगी के साथ घटना घटती है, तो नज़र में आ जाती है, हाईलाइटेड केसेस हो जाते हैं, लेकिन कई सारी घटना ऐसी भी हैं जो हम तक पहुँचती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा, हमारे देश में ये कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। सबसे पहले तो बॉलीवुड वालों को जो रेप बलात्कार के सीन मूवीज में जो दर्शाते हैं उन्हें बंद करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं बलात्कार जैसी घटनाएं जो हो रही हैं, ये एक सोच बॉलीवुड के द्वारा लोगों के जहन में डाल दिया गया है कि ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, और जिसका फ़ायदा इस तरह के घटिया लोग, जानवर, इंसान की शक्ल में जानवर जैसे लोग उठाते हैं और बदनाम पूरे के पूरे प्रजाति को होना पड़ता है। हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और एक ऐसा मिसाल कायम किया जाए कि पूरे देश में कोई भी दरिंदा ये करने से पहले 10 बार सोचे। एक छोटी बच्ची की भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जो वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए कोलकाता की सड़कों पे चल रही थी।
एक बच्ची भी अपने फ्यूचर के लिए वहाँ पे सड़क पे आ पहुँची थी, एक 85 साल की बूढ़ी माँ भी वहाँ मौजूद थी, 50 साल की माँ भी मौजूद थी, 20 साल की स्टूडेंट भी मौजूद थी जो अपना करियर बनाने के लिए कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रही हैं, कहीं पीजी में पढ़ाई कर रही हैं, कोई किसी तरह के प्रैक्टिस में है, सब सड़कों पर थी। भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि सारे के सारे लोग सड़कों पे थे। एक रात जो बरसों तक याद रखा जाएगा, और एक ऐसे कई नाम हैं जो शायद हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हम हमेशा बस जस्टिस इंसाफ की गुहार लगाते रहेंगे और नाम के साथ ये कहते रहेंगे कि हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। आम जनता के बाद अब बॉलीवुड के स्टार्स भी इस बारे में बोलना शुरू कर दिया है। आयुष्मान खुराना ने एक पोइट्री शेयर की है सोशल मीडिया हैंडल पे, जिसका अनुवाद उन्होंने रखा है, काश मैं भी लड़का होता। आम लोगों के बाद अब आयुष्मान खुराना, मनोवर फारूकी ने भी सोशल मीडिया पे मौमिता के लिए, इंसाफ के लिए बोलना शुरू किया है। साथ ही उस प्रोटेस्ट में टॉलीवुड स्टार्स भी मौजूद थे और कई सारे संगठन भी उसमें मौजूद रहे। हमारी सरकार से मांग सिर्फ इतनी है, हम नहीं जानते कि कौन सी पार्टी इसमें इन्वॉल्व्ड है, कौन सी पार्टी नहीं है, वो कौन से लोग हैं, वो शख्स सिविक पुलिस है या आम नागरिक है, वो क्या है। हम सब सिर्फ एक चीज़ जानते हैं कि वो जो कोई भी है एक जानवर है, इंसान के शक्ल में एक जानवर है जिसने एक घिनौने काम को अंजाम दिया है, और उसकी सज़ा सिर्फ एक होनी चाहिए ताकि उन बेटियों को इंसाफ मिले जो इसकी शिकार होती आ रही हैं, और आगे ये एक मिसाल बन जाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ ऐसी सज़ा दी जाए कि लोग इस बारे में सोचना ही छोड़ दें। मौमिता को इंसाफ मिलना चाहिए, मौमिता को इंसाफ मिल के रहेगा। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर मौमिता, वी ऑल वॉन्ट जस्टिस फॉर मौमिता। अभी के इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और राज्य की अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद।